नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल NCERT हिंदी ट्यूटर पे। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 कक्षा 1 के विषय हिंदी की किताब सारंगी से। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3, सुने कहानी। रीना का दिन। हर दिन रीना सुबह जल्दी उठती है, उठकर बिस्तर को ठीक से लगाती है, नीम की दातुन से अपने दांत साफ करती है, साबुन से नहाकर रीना स्वच्छ कपड़े पहनती है। वह अपने बाल में तेल लगाकर कंघी करती है। रीना माँ के बनाए पराठे और सब्जी आनंद के साथ खाती है। रीना माँ के गले लगती है और फिर स्कूल जाती है। सुप्रभात। स्कूल के रास्ते में रीना अपनी सहेली दीपा से मिलती है। दोनों एक दूसरे से सुप्रभात कहती हैं और हंसती खेलती स्कूल जाती हैं। स्कूल में प्रार्थना के बाद रीना अपनी कक्षा में जाती है। उनकी अध्यापिका कक्षा में आती हैं। सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और नमस्ते करते हैं। अध्यापिका भी मुस्कुराती हुई नमस्ते करती हैं। रीना स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती है। वह अपनी सहेलियों के साथ खेलती है और थोड़ी शरारत भी करती है। घर आकर वह हाथ मुंह धोती है। फिर वह अपनी स्कूल की सभी बातें अपने परिवार को बताती है। रीना अपने प्यारे से छोटे भाई के साथ भी खेलती है। रीना को रात को जल्दी ही नींद आ जाती है। दादी प्यार से रीना को शुभ रात्रि कहकर सुला देती है। बातचीत के लिए। रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर क्या कहती है? रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर सुप्रभात कहती है। रीना की दादी रात में सोने से पहले मीना से क्या कहती है? रीना की दादी रात को सोने से पहले मीना से शुभ रात्रि कहती हैं। आप क्या कहकर बड़ों का अभिवादन करते हैं? हम नमस्ते कहकर बड़ों का अभिवादन करते हैं। घर पर जब कोई अतिथि आते हैं तो आप क्या कहकर उनका स्वागत करते हैं? जब घर पर कोई अतिथि आते हैं तो हम उनको नमस्ते कहकर उनका स्वागत करते हैं। अगर आपको रास्ते में कोई परिचित जन मिल जाए तो आप क्या कहते हैं? बताइए, आपको अगर रास्ते में कोई परिचित जन मिल जाए तो आप क्या कहते हैं? खोजे जाने। पता कीजिए कि आपके सहपाठियों के घर पर अभिवादन कैसे करते हैं। अभिनय सहित समझाइए कि आप मंजन कैसे करते हैं, कैसे नहाते हैं, बाल कैसे बनाते हैं, खाना कैसे खाते हैं, हाथ कैसे धोते हैं, कैसे सोते हैं। तो यह आपको अभिनय के द्वारा बताना है। खेल खेल में। मिट्टी से घर घर खेल की चीजें बनाइए, जैसे चूल्हा, थाली, कटोरी आदि। अब अपने मित्रों के साथ मिलकर घर घर खेलिए। सबके घर। रेखा खींचकर पशु पक्षियों को उनके घर तक पहुंचाइए। तो हमारा पक्षी जाएगा यहाँ पे अपने घोंसले में, उल्लू जाएगा हमारा पेड़ की डाल पे, खरगोश जाएगा यहाँ पे अपने घर पे, गाय जाएगी अपना यहाँ पे, और गिलहरी जाएगी अपना यहाँ पे पेड़ पे, और मछली जाएगी तालाब में। चित्रकारी और लेखन। आपको अपने घर में क्या क्या अच्छा लगता है और क्यों? चित्रों की सहायता से बताइए। इन शब्दों में से आप अपने चित्र के लिए कुछ शब्द चुन सकते हैं। रसोई, कमरा, बरामदा, आंगन, छज्जा, छत, माँ, पिता, दादी, दादा, कहानी, खीर, दूध आदि। तो आपको यहाँ पे चित्रों की सहायता से बताना है। सोचिए और बताइए। आप घर में कौन कौन से काम करते हैं? सही का चिन्ह लगाइए। हाथ है मेरे छोटे छोटे, काम करूँ मैं बड़े बड़े, साभार एकलव्य। तो हम घर में सफाई करते हैं, हम घर पे खाना खाते हैं और कंघी भी करते हैं। तो हमारा अध्याय 3 रीना का दिन यहीं पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।